को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने त्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कलशानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंद जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा शरण अहोभाग्यशाली गीता अनुयायी देवियों प्रभागी मेरे गीता के पैरों का सज्जनों इष्टे भगवान जी की मैत्री एवं अपार कृपा का पूरा पूरा लाभ उठाते हुए हम लोग इन दिनों इस दिव्य लीला में उपस्थित हुए हुए अपने कल्याणार्थ शरण कर रहे हैं। श्री गीता जी का कर्मयोग द्वितीय अध्याय यह हमने भली प्रकार जाना और माना कि भगवान जी का ये फरमान हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाला है और जो फिलॉसफी या जो ब्रह्म विद्या मानव के जीवन में काम ना आए वो तो एक कहानी है, किस्सा है, ड्रामा है या उपन्यास कह लो, धारावाहिक उपन्यास जो जीवन में काम ना, जीवन में जो काम आता है और नाना प्रकार के दुखों से हमें बचा लेता है, उत्तर उत्तर सुख जिसके कारण से बढ़ जाती है उसे ही हमारा देश धर्म कहता है, ज्ञान कहता है, विज्ञान कहता है। बड़ी जोरदार चेतावनी हमारे प्रभु दे रहे थे जिस पर हम मिलजुल कर विचार कर रहे गए। अमल जिस कदर भी है यज्ञ के सिवा वो दुनिया को बंधन में रखे सदा, किए जा तो सब काम यज्ञ लगावट कर रखो डॉक्टर। सजनो हर एक के वश की बात तो है नहीं, नारी चोले में बहुत ही अच्छा होता अगर हर मेरी देवी से अपना शक्ति पर भगवान के तेल ले, उनकी इच्छा हजारों में होगा कोई और जिसको फिक्र हसूली कमा, बहुत थोड़े जीव होंगे जिनमें सत्गुण बढ़ जाता है अपने पिछले जन्मों के शुभ किए हुए संस्कारों एवं कर्मों के अनुसार और रजो तमो गुण दब जाते हैं जिससे इंसान का मन संसार की निस्सारता को अनुभव कर लेता है और पूर्ण रूपे अर्थात मनसा वाचा कर्मणा हेड हार्ट एंड हैंड तीनों को एक करता हुआ महाराज जी की ओर झुक जाता है। महाराज जी की ओर झुक जाने का अर्थ आजकल के हम इस शताब्दी के भली प्रकार समझ ले, भगवान की ओर झुक जाने का मतलब उनके उपदेश के अनुसार अपनी बुद्धि अपने मन और अपने तन के गाड़ियों को चलाना। बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे हिंदू समाज में फैली हुई है, धर्म स्थान में जाना मत्था टेकना टाल खड़का देना दैट इज ऑल गलत, इससे कोई ठोस लाभ नहीं होने वाला। हमारे भगवान जी इस पर बहुत जोर दे रहे हैं, सुनना गए पढ़ना गए अपनाने के लिए, अपनाना गए लोक परलोक बना लेने के लिए, इस पर आप अपने आप में जोर देना। मैंने भगवान की वाणी सुनी है अपनाने के लिए, अपनी बुद्धि में इंकलाब लाओ, अपने मन और कार्यों में मैं शानदार क्रांति ले आऊ, तब हमारा यह आने का सॉलिड गेनिंग और यही हम चाहते हैं। ये भगवान की वाणी सुनी हमारे इरादों में विचारों में और क्रियाओं में अवश्य में एक क्रांति आ जानी चाहिए। कैसी क्रांति? ग्रीन क्रांति, जो हमारे लिए सुखदायी हो, हमारे लिए बहुत ही गुणकारी हो। क्रांति तो उसे ही क्रांति कहेंगे ना, या इंकलाब कहेंगे। तो महाराज जी ने फरमा दिया कर्म कामना रख के करने वाले दुख प्राप्त करते हैं। क्यों? कामना रख के करने वाले दुख इसलिए प्राप्त करते हैं, सबको ध्यान देना भगवान इस पे क्यों जोर दे रही है, अनुरोध पूर्वक कह रही है। आपने संसार संबंधी किसी प्राणी या पदार्थ को प्राप्त कर लिया, कामना का मतलब क्या? इच्छा, टू विश, टू डिजायर, डिमांड,
किस चीज की कह रहे हैं? संसार में दो ही तो चीजें है, जड़ और चेतन। जड़ चीजें वो है जो चलती फिरती नहीं है, हाँ हमारी जमीन, हमारे मकान, हमारा धन, हमारे पदार्थ, और इसके उल्ट में ऐसी चीजें भी हैं जो मोबाइल है, जो वॉकिंग स्पीकिंग है, हमारा धन, हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई, हमारे और नियर एंड डियर रिलेशंस जितने भी हैं, ये सब के सब चर है और कई अचर है। इन्हीं को प्राप्त करने में आज का इंसान, जिसको आप कहते मॉडर्न मैन, समझता है कि बस इसी से मुझे शांति मिल जाएगी, मिल जाती तो बहुत अच्छा होता, पर नहीं। क्यों? मैं आज फिर दुराई कर दूं, प्रसंग के अनुसार जब हम किसी प्राणी या पदार्थ को प्राप्त करते हैं, उस समय हमारे मन के स्तर के अनुसार वो चीजें और पदार्थ होते हैं। ध्यान देने देवी, आपने जब भी जिसको प्राप्त किया, आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए, अपने पीसा माइंड को मेंटेन और अटेन करने के लिए, बड़ी अच्छी बात है, बुरी बात थोड़ी है। क्या हम अपने सुख दृष्टि बना के किसी प्राणी पदार्थ को का संग्रह करते हैं? वेल एंड गुड। लेकिन प्रकृति के इस नियम को भूल जाते हैं, क्या जिस प्राणी पदार्थ को मैंने प्राप्त किया है, ये या मैं, दोनों का स्तर एक जैसा नहीं रहेगा। दुनिया में स्वर्ग उतरा होता मेरे सखियों में देवियों, आप ऐसे विचार करने की आदत बनाई। मैं बार बार कह रहा हूं, हम अपने भगवान की अनुसार अपनी लाइन ऑफ थिंकिंग या आइडियोलॉजी या विचारधारा बनाए कि जिस प्राणी को मैंने किस्मत प्राप्त कर लिया, चाहे वो मेरी पत्नी है, चाहे मेरा पति है, चाहे मेरा बेटा है, चाहे मेरी बेटी है, चाहे मेरा फास्ट फास्ट वेरी वेरी फास्ट फ्रेंड है, बड़ा कोई VIP है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, हाँ वेरी गुड, और मैं उसे चांदी ले रहा हूं, ये कब होगा? जब इनके मन का स्तर और मेरे मन का स्तर बराबर है। पर प्रकृति का तो नियम है कि सदा कोई वस्तु, कोई प्राणी, कोई पदार्थ, कोई मौसम, कोई स्थान एक जैसा नहीं रहता। चेंज चेंज नथिंग एल्स बट चेंज एवरीवेयर। जिधर हमारी नजर जाएगी, तो बिली के सिवा है क्या? संसार की परिभाषा क्या है? परिवर्तन का नाम संसार है। ये एक जैसा नहीं रहेगा, लाख बड़ा कोई कोशिश करे, ये एक जैसा न रहता है न रहने देता, न रहता है न रहने देता। फिर क्या होगा? आज इस प्राणी पदार्थ का संग्रह करके हम सुख पा रहे हैं, हाँ कुछ दिन के बाद हमारे मुताबिक रहेगा ही नहीं, फिर हमारे मन में विक्षिप्तता हो जाएगी, इनको ये क्या हो गया है, गिले शिकवे शिकायत उनको मेरे से, मुझे उनसे। वो कहेंगे मैं बदल गया हूं, और मैं कहूंगा वो बदल गई है। अरे भाई, बदलना तो प्रकृति का अटल नियम है, इसको तो हम बदल सकते ही नहीं, ये तो जरूर होगा, बस गिले शिकवे शिकायत चल पड़ेंगे। तो फिर संसार के प्राणी पदार्थों को संग्रह करने के लिए जो हमने इतना पुरुषार्थ किया, कितनी हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग कि इनसे मुझे शांति मिलेगी, आराम मिलेगा, चैन मिलेगा, तो दुनिया बनाने वाला बच्चा था क्या है? यही तो हमने शुरू से जानना था, फिर संसार में हम पैदा हुए, उस संसार बनाने वाले के नियम क्या है कोई नहीं बताता, कोई नहीं समझाता, कोई नहीं हमारी अकल की खिड़कियां खोलता। फिर जिस संसार में हम आए हैं, इसको बनाने वाला कोई है? छोटी सी दृष्टि को बनाने वाला कोई हमारा बाप है? तो इतने बड़े विराट संसार को बनाने वाला में तो कोई परमपिता होना चाहिए, मस्ट बी, कोई तो ऑर्गेनाइजर हो, कोई तो ऑपरेटर हो। हाँ, बिना ऑर्गेनाइजर, बिना ऑपरेटर के, बिना डायरेक्टर के कोई चीज कैसे कर सकती है, जिसका कोई संचालक ही ना हो? देरेश, अब उनके नियम की जानकारी कर लेनी थी, उसके बाद हम बहुत प्रसन्न होते, उत्तर उत्तर हमारी शांति बढ़ती रहती, जबकि आप उत्तर उत्तर हमारी शांति डिक्रीजिंग की ओर जा रही है, इंक्रीजिंग की ओर नहीं। इसलिए हमारे परमात्मा कह रहे गए, हमारे इष्टदेव आप पिष्टमुख से हो सजनों, कल्याण कामी मेरी देवी हो, फरमा रहे गए क्या कर्म तो हमने करना है, लेकिन कामना रख के नहीं, तो अपना फर्ज समझकर, या तो मैं मां न बनती पर मैं तो मां बन चुकी, या तो मैं किसी की पत्नी न बनती पर मैं तो पति बन चुकी हूं, या तो मैं किसी की बेटी न बनती पर मैं तो बेटी बन चुकी हूं, या तो मैं किसी की चाची या ताई न बनती पर मैं तो बन चुकी हूं, इनके प्रति मेरा कर्तव्य क्या है? वाह मेरे कृष्ण वाह, हम संसार में आ चुके हैं और नाना प्रकार के हमारे रिश्ते है, एक इंसान कितने रिश्तों में जकड़ा पड़ा है, आप तो एक ही हैं, आप पिता भी हैं,
आप किसी के चाचा हैं, आप किसी के पति हैं, हाँ आप किसी के पिता हैं, आप किसी के दोस्त हैं, आप किसी के पड़ोसी हैं। तो कृष्ण इतना ही कहना चाहती हैं, क्या तेरा फर्ज क्या है रब उस पर नजर। हमने फर्ज को देखना था, हमने कर्तव्य की जगह अपने स्वार्थ को देख लिया। या इंसान ने बुरी तरह मार खानी शुरू की, कब से द्वापर से और कलयुग से बड़ी बुरी तरह मार खानी। पढ़े लिखे हो मेरी बेटियों, ध्यान दे दो, हमने केवल अपनी लाइबिलिटीज पॉसिबिलिटीज और ड्यूटीज को देखना था, उसको हमने संपन्न करना था, एग्जीक्यूट करना था। हमने तो अपने स्वार्थ को रख लिया, जिससे हमारा स्वास्थ्य ज्यादा पूरा होता है या होने की संभावना है, उसके साथ हमारी अटैचमेंट, और जो हमारे स्वार्थ को पूरा करने में बाधा बनता है उसके साथ हमारा द्वेष, अर्थात रिपल्शन, कहीं अट्रैक्शन कहीं रिपल्शन, कहीं राग कहीं द्वेष। इसी से इंसान क्या हो गया, जैसे मां फटाफट चढ़ गई कोठे पर, बच्चे नकल की 6-7 डंडे चढ़ के गिर गया, एक एक डंडा लुढ़कता लुढ़कता चारों चार छत धरती पे आ पड़ता। इस तरह इंसान गिरना शुरू हो गया, कब, जब स्वार्थ रख लिया इन प्राणी के पास। कितना अच्छा जीवन होता अगर हम भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार सजनों और देवियों केवल अपना कर्तव्य पूरा करते, पति पत्नी के प्रति, बेटी बेटी के प्रति, जिसको हमने अपना समझा है कर्तव्य, और जो हमारे से द्वेष कर रहा है, द्वेष का जवाब द्वेष से ना दिया जाता, हम इंटायरली इंडिफरेंट हो जाते, तटस्थ हो जाते, कुटस्थ हो जाते, उपेक्षा कर देते, अपेक्षा नहीं उपेक्षा कर देते, दर गुजर कर देते, ओवरलुक कर देते। हमने ऐसा नहीं किया, हम उठा और गहराइयों में उतरते गए, जिससे हमारी खुशी कट गई। तो स्त्री इंसान जो अपना कर्तव्य समझ करके अपने कर्मों को कर रहा है उसको यज्ञ कहती है। भगवान के पास एक शब्द है यज्ञ, जैसे हम कहते भाई वो ऊंचा सुनता है उसे सुनाई नहीं देता, कहते भाई वो क्या है, वो बहरा है, ऐसे में बार बार बोलते हैं उसको ऊंचा सुनता है, बड़ा मूर्ख है, कह देना बहरा है, वो तो बिल्कुल बोल ही नहीं सकता, वो तो गूंगा है। इसी तरह हाँ, वो निस्वार्थ भावना से अपना कर्तव्य समय करके कर्म करता है, अर्थात वो यज्ञमय जीवन गुजारता, उसका जीवन यज्ञमय है। तो भगवान कहते हैं यज्ञमय जीवन जो नहीं करेगा, नहीं गुजारेगा स्वार्थ रख के, कामना रख के, जो कि करोड़ा व्यक्ति कर रहे हैं, करोड़ा बल्कि 99.9% इसी में लगे हुए अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, अपनी कामना को पूरा करने के लिए। तो महाराज जी का फरमान तो नियम होता है, वो नियम तो कभी टूटता ही नहीं, फैक्ट को हम कभी फैक्ट ना कहते अगर उसमें डिफेक्ट आ जाता है। फैक्ट इसलिए फैक्ट है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं। भगवान का फरमान इसलिए फैक्ट है, शताब्दियां गुजर गई, शताब्दियां गुजर जाएगी मेरे सज्जनों देवियों, भगवान का फरमान फैक्ट क्यों है, बिकॉज देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी डिफेक्ट, भगवान के फरमान में कोई डिफेक्ट नहीं आ सकेगा, इसलिए शताब्दियां गुजर गई, शताब्दियां व्यतीत हो जाएंगी, फैक्ट तो फैक्ट ही रहेगा। अमल जिस कदर भी गए दुनिया को बंधन में रखेगा, दुनिया बंधन में आ जाएगी। बंधन क्या होता है, आप यहां भी भगवान की शब्दों को ले, बंधन क्या होता है, भगवान फरमाती है बंधन होता है किसी प्राणी पदार्थ को अपना समझ लेना, हाँ और उससे स्वार्थ रख लो। ये मेरे पतिदेव कितने अच्छे हैं, ये मेरी पत्नी कितनी अच्छी है, ये मेरा बेटा कितना अच्छा है, मेरे बहुत काम आएगा, और इस स्वार्थ में भर कर उसके लिए कर्म करना और उससे अपने लिए करवाना, तो क्या होगा, दोनों बंधन फंस जाएंगे। हम संबंधी बोलती हैं, कभी आपने विचार नहीं किया, संबंधी के दो टुकड़े कर दो ना, संबंधी सबने बराबर, बंधी मैंने बंधन वाला, मैंने उसको बांध रखा है, उसने मुझे बांध रखा है, कुछ मेरे स्वार्थ है उसके गले के अंदर, कुछ उसके स्वार्थ है मेरे गले के अंदर। नाउ वी आर बोथ टाइट, दोनों हम बाउंड हो गए, दोनों हम फंस गए, दोनों हम जकड़े गए, शाबाश। गैये के गले में रस्सा होता है मैं देवी सजनों, और वो रस्सा किले के साथ बंधा हुआ, हाँ गैया किले के साथ बंधी हुई है, किला रस्से के साथ बंधा हुआ, दोनों ही बॉन्डेज में है, दोनों ही बंधन में। हम लोग जो कल्याणकामी है, भगवान का फरमान रजोगुणियों के लिए नहीं, तमोगुणी के लिए नहीं, जो मेरे रजोगुण बड़ा हुआ उनके लिए, भगवान कहते ना
ये उपदेश उनके लिए नहीं, अभी उन्हें 3-4-5 जन्म धक्के खाने गए, केवल उन्हीं के लिए जिनमें सतोगुण का बाला होता रजोगुण तमोगुण रहे इससे बस, जिनमें रजोगुण तमोगुण न होने के बराबर है वो समझ जाती है, उनमें रियलाइजेशन होती है, क्या खा लिया पी लिया, 4-5 बच्चे बना दिए और मर गए, दिस इज बियॉन्ड एंड ऑफ लाइफ, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य यही था। आप लोगों को होती रोशन जमीर, आपकी कॉन्शियस वेरी वेरी गुड, तो प्रिक करती है नहीं इसके लिए नहीं था, खाना पीना भोगना, ईटिंग ड्रिंकिंग मैटिंग दैट्स ऑल, तो फिर हमारे में और पशुओं में अंतर क्या है, कोई अंतर नहीं, वो भी यही करते हैं, यानी इंसान और हैवान में फिर कोई भी अंतर नहीं है, उन्होंने भी 3 काम ले रखे, खाओ पियो और अपने ऐसे बना करके मर जाओ, चारों ओर देखो दे 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 यही तो कर रहे हैं, खाना पीना भोगना, अपने शक्ल बना करके जाने पानी से कूद कर जाना। इंसान तब इंसान कहलाने का हक रखता है जबकि अपने बनाने वाले के अनुसार चले, बेटा तब भी आज्ञाकारी बेटा होता है जब मां बाप के कथन के अनुसार चले और उनको सुख दे, भगवान के अनुसार अगर हम ओबीडियंट बनते हैं तब तो हमें मानव कहा जाता है, वरना बोलू क्या, जो भगवान के अनुसार नहीं जुड़ते उनको मानव कहना महापाप है, वो दानव है, दानव मेरे राक्षस, थोड़ा सा एक अक्षर का अंतर, मानव है दानव, दानव होते राक्षस जो भगवान के विरुद्ध चले, दानव जो महाराज जी के पैरल चले, मानव मानव क्यों, क्योंकि उन्होंने मन से काम किया है, मन से, मन का काम क्या है, मनन करना, मनन क्या करते हैं, टू पांडर, टू थिंक ओवर, टू रिफ्लेक्ट, क्या वो पांडर करते हैं, क्या वो रिफ्लेक्ट, क्या कंटेम्पलेट करते हैं, क्या उचित क्या है, अनुचित क्या है, जब मन इन दोनों में तमीजी करना सीख जाता है मेरे देवियों, अब वो बहुत ही अच्छा बने लग जाता है, क्योंकि वो समझ जाएगा ये इरादे, ये विचार, ये मेरी क्रियाएं, ये मेरी डेली रूटीन बिल्कुल अनुचित है, जिसका परिणाम 3 प्रकार का दुख आदि व्याधि उपाधि हुए बिना रह ही नहीं सकता, इसलिए उनसे वो अपने आप को छुड़ा लेता, छुट गया तो वो मानव है, आहा वो बिल्कुल वो ठीक हो गया, अब वो देवता बन गया, शाबाश कमाल। इसलिए हमारे प्रभु कह रहे हैं अमल जिस कदर भी है यज्ञ के सिवा वो दुनिया को बंधन में रख सकते, अगर हमें यज्ञ में जीवन ना किए, स्वार्थ रख के, कामना रख के, इच्छा रख के, राग करके, द्वेष रख के कर्म करते रहे, उलझते जाएंगे, किसमें उलझते जाएंगे, अंदर गंदी वृत्तियां पैदा होती जाएंगी, ये तो भगवान इन नेगेटिव क्वालिटीज को ना बनाता मेरे देवियों मेरे सज्जनो, ये काम ये क्रोध ये लोभ ये लोभ ये अहंकार, हम जितना मर्जी इस पर ना विचार करें इनको भगाए नहीं जाएंगे। अगर आप उस गली में से गुजरेंगे जहां कसाईयों ने मुर्दे लटका रखे हैं, मरे हुए जानवर लटके पड़ेंगे, तो वो आए, अगर आप भगवान के फरमान को छोड़कर दुनिया की चाल को अनुसार चलती है तो फिर ये काम करो लोग अंकार और दी नेगेटिव क्वालिटीज हमारे में पड़ेगी, हमें हैरान और परेशान मेरे सपनों करेंगी जो हम नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं 2 दिन गुजरे, नई शांति, नया आराम, नई चैन, एक नया हर्षोल्लास लाए, ऐसा होता क्यों नहीं, भगवान के अनुसार अपने जीवन को गुजार नहीं रहे, एक ही जवाब प्रभु देती जो अमल नहीं मेरी, जो भगवान के अनुभव उपदेश अनुसार अपनी बुद्धि अपने मन और अपने तन, ये 3 भगवान से लेके आए हैं, बुद्धि मन और तन, इस इक्विपमेंट्स को जो महाराज जी के अनुसार नहीं चला रहे, मनमानी कर रहे हैं, मनमानी करने वाले जलील होते हैं, बर्बाद होते हैं, उनको खुशी नहीं मिल सकती, तो आओ कर्म योग के अंदर हमने कर्म करते करते अपने शरीर को छोड़ना है, बुद्धि से भी कर्म करना है, मन से भी कर्म करना है, तन से भी हमने नाना प्रकार के कर्म समय से अनुसार जो भी हमारे सामने आएंगे हमने बजा लाना है, करना है, लेकर ये याद रहे कि भगवान की कथन के अनुसार, तब वो यज्ञ हो जाएगा, उस वो हमें छुड़ाता जाएगा, छुड़ाने का मतलब इन गंदी वृत्तियों से आजाद करेगा, पर एकांत में बैठकर जब उसे घड़िया पुर्जे करे विचार कर लो, जब तक इंसान इन गंदी वृत्तियों से काम करो लोग छूटता नहीं, हाँ तब तक मन की बेचैनी नहीं जाती, जितना काम बढ़ेगा क्रोध बढ़ेगा, हाँ काम क्रोध बढ़ने के बाद मन में हलचल मचेगी, हाँ कई चीजों को प्राप्त करेंगे मोह बढ़ेगा, हाँ मोह बढ़ने से क्या लोभ बढ़ेगा, इतना तो मैंने प्राप्त कर लिया और ये तो मेरे बन गए, अटैचमेंट ये तो मेरे बन गए, हाँ पर ये तो चीजें अभी बाकी है, हाँ बाकी है क्यों कहती है, जिनको हमने प्राप्त कर लिया उन्होंने पूरी खुशी नहीं दी इसलिए बाकी है। मैंने कई बार आपको पहले भी कहा मेरे देवी सज्जनों,
कुत्ता आपके घर से रोटी लेकर दूसरे घर में क्यों गया है? आपको शर्मिंदा कर रही है। हमें रोटी दी है बाबा, हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। जी हाँ, क्यों कुत्ता दूसरे घर पे खड़ा हुआ उम्मीद रखकर? आपने भर पेट उसे भोजन नहीं दिया। देना ये मेरे गुरु का दृष्टांत है, अगर आप अपने मन में ले आए। कुत्ता आपके घर पे आए और फिर दूसरे घर पे जाए, शेम टू यू, शेम टू दिस सिटी एंड मोहल्ला। कुत्ता हुआ जब क्यों आपने भर पेट भोजन नहीं दिया? आप उसने पूरी सेटिस्फेक्शन आपने नहीं की, इसलिए बेचारा दरवेश बनकर वो कह रहे मेरा तो कोई आपके ऊपर चारा नहीं, पर दया के नाम पर मैं आपके दर के सामने आया। दया के नाम पर, क्योंकि दुनिया में दया भी तो है, रहम भी तो है। हाँ, इस रहम के नाम पर मैं आपके दर पे आया हूं। आपकी रोटी में कुछ मेरा भी हिस्सा है, पर आपने भर पेट तो दिया नहीं, आपने थोड़ा सा दे दिया, नाम भी ना दिया। बेचारे को दूसरे घर तीसरे घर जाना पड़ता है। हमने कुछ कामनाएं पूरी कर ली है, हाँ, फिर और कामनाएं क्यों पूरी होती है? इन गंदी और कृत घर कामनाओं ने हमें पूरी शांति नहीं, तभी तो हम कामना पूरी करने के बाद और कामना पूरी करते हैं। वाह, इंसान तो इतनी इतनी एजुकेशन बढ़ती जा रही है, इतनी डिग्रियां हम अपने नाम के साथ लगा करके बड़ा गर्व करते हैं और गौरव का अनुभव होता है, पर ऐसा गर्व और गौरव का अर्थ ही कुछ नहीं जो हमें और भी बंधन में डालता जा रहा है। इतना पढ़ जाती है, फिर कामना कमाने की, फिर कमाने के बाद ब्याहने की, ब्याहने के बाद माँ बाप बनने की, उसके बाद कुछ और, उसके बाद कुछ और। कब उस नहीं दिन आएगा हमारा जीवन के अंदर जबकि मन अपने आप में तृप्त हो जाए? कब? भगवान की ओर भाग चले, भगवान के फरमान की कदर करता हुआ अपने आप को महाराज जी को उपदेश के अंदर रंगने लग जाए, अब ये तृप्त हो जाएगा। एंटायर सेटिस्फेक्शन अब हुई, पहले वरना भागते फिरती है। क्या बच्चे? हाँ। क्या किशोर? हाँ। क्या युवक? क्या प्रौढ़वस्था वाले और क्या वृद्धावस्था वाले? सारों को देखो, दौड़ते फिरते भागते फिरते, तो सोचते ही कोई नहीं बैठकर घर के अंदर। माँ भी कमा रही है, बाप भी कमा रहा है, बहने कमा रही है, भाई कमा रही है, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं। और कमाई जा रही है, रिटायर होके भी कमाती है, वो मेरा रब्बा है। मौत बिल्कुल, रिटायरमेंट का मतलब क्या है? मौत ने भेजा कफन सर पर, जो आए बाल तेरे सफेद, समझ ले मौत ने भेजा कफन। मौत ने तुझे कफन भेज दिया, फिर भी हम अर्प कर रहे हैं, भागे जा रहे हैं, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं। कोई तो सभी मरने वाले से पूछा जाता है, बापू अब तू जा रहा है मैं छोड़ के? देख रहा हूं तेरी कोई कामना हो तो पूरी कर दे। ये नहीं कहती कि तुमको पहले जीवन ही गंदा कटा है कि भाई तुम बैठ के कीर्तन करने में वित्तीय भगवान में लग जाए, नहीं। या कोई बैठ के महाराज जी दीवानी पाल लो मेरा मन लग जाए, नहीं। बापू आप बताओ क्या करना है? बकवास नहीं कर रहा, मैं सच्चाई बता रहा हूँ जैसे आप लोगों ने मुझे बताया। बापू पिताजी बताओ, कोई आपकी भावना हो कोई दान कर ले, देर सौ दान कर ले, ये ना कहना। तो बापू मैं क्या करूँ, तेरी कामना है? कामना तो है क्या? संतरा पे निचोड़ निचोड़ के मेरे मुंह के ऊपर डाल, ये मरने से 10 मिनट पहले पिता कह रहा। माँ से पूछती है, माँ तेरी कोई इच्छा तो बता। हाँ मेरी इच्छा है, पूरी नहीं हुई, मैंने दम तोड़ना, मेरा छोटा काका आ गया कि नहीं? ये हिंदू धर्म, ये धर्म भूमि भारत के निवासी कहां से कहां चले गए? आखिरी वक्त है, मांग क्या रहेगा? खाने की चीज, देखने की चीज, या उत्तर में मर रहे हैं, आ मेरे पास। हाँ ऐ बहन का हाथ तेरे हाथ में, जब तक तू इसकी शादी ना कर देना, हाँ तब तक तेरे लिए और इधर उधर मन लगाना, मैं ऐसा ही करूंगा, मैं यही छोड़ के रो पड़ेंगे, डिकले मार के रोएंगे। ये गए यहां रहने वाले निवासियों का हाल, जबकि भगवान ने कहा था अंत समय से पहले अपने मन को मेरी में लगाना, नहीं तो जन्म ऐले किरदार में आगे। किसी को विश्वास नहीं बातों का, तो ना विश्वास हो कितनी अशांति है, कितनी बेचैनी है, मर भी रहेंगे 10 मिनट पहले और कह के रहेंगे ये लड़की, ये फलाना काना, ये देखना, ये मेरा मुकदमा चल रहा है पुत्र, तू भी उनको नाक के चनो चबाना और दिन में 12 तारे दिखा देना। अच्छा पिताजी, जो आपने मिट्टी पाई मैं अंगारे पाऊंगा अपने सिर के अंदर। इसलिए कृष्ण क्या जोरदार शब्दों में कह रहे हैं, अमल जिस कदर भी गए दुनिया को बंधन में रखे।
कर ले इंसान मनमानी। सारी गीता सुनने के बाद भगवान ने क्या रोमांचकारी शब्दों का प्रयोग किया, अगर मुझको मन में बस आएगा तू हर रोग से बाहर सुनेगा रे मेरी, जो अहंकार से आखिर में तबाही डूम फॉर एवर डिस्ट्रॉयड फॉर एवर। अच्छा होता नास्तिक बन जाओ, जीव नास्तिक बनते शांति तो लेते, आराम लेते, चैन लेते, कहां कहां आराम कहां चैन कहां करार कहां पीस ऑफ माइंड, जिसकी हम दिन रात ये वो कर्म करके प्राप्त किया जाते हैं, पर कहां भगवान की मोनोपोली है। ओ सजनो ओ देवियो, शांति आराम चैन निश्चिंतता केयर फ्री लाइफ कहां से, भगवान ये भगवान की मोनोपोली है, भगवान का एकाधिकार है। ऐसा जानते हुए हम श्रद्धालु हम कल्याणकामी जीव पूर्ण रूपे बौद्धिक मानसिक शारीरिक रूप से महाराज जी की ओर झुक जाते हैं, और जैसे वो कहती है फौरन अपनाने की चेष्टा करते, हमारा रोम रोम पुकार उठता है नॉट टू रीजन व्हाई बट टू डू एंड डाई। अब देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ व्हाई, समझ लिया बट टू डू एंड डाई, शरीर छोड़ने तक मैंने यही करना है जो मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे इष्टदेव मेरे वेलविशर आप निश्चित मुख से फरमा रहे। ऐसे जीव तो निश्चिंत होकर के अपने बंधनों को तोड़ते जाते हैं। बंधन का मतलब दिन ब दिन उनके काम उनके क्रोध उनके मोह उनके लोभ उनके अहंकार कम होते जा रहे हैं। तब समझिए हम बंधनों से आजाद होते जा रहे हैं, जबकि ये गंदी वृत्तियां जिन्होंने हमारी गर्दन को पकड़ करके संसार में सराबोर किया हुआ है, जब तक ये नेगेटिव क्वालिटीज नहीं जाती हम अपने आप में आजाद हो नहीं, हम अपने आप संग में पीस ऑफ माइंड ले लूंगी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये डिस्टर्ब करते हैं। घर के अंदर आपने देखा थक के आते हैं हम सारा दिन, क्योंकि श्रीमान भी काम करते हैं श्रीमती भी काम करते हैं बेटा भी काम करता है, रात को चूहे बड़े तंग करते हैं, हमारी हमारी रात होती है उनके तो दिन होता है, इधर भाग उधर भाग यहां जा वहां जा बड़े तंग आ गया, सारा दिन तो हम काम करते हैं रात को ये नहीं सोने देते, कोई ऊपर छलांग मार गया आपके ऊपर, कोई कुछ कर गया, कोई आगे पीछे भाग रहे होते हैं दौड़ रहे होते हैं, फिर क्या करते पीड़ा लाते हैं, फिर रात चैन से सो ही नहीं सकेंगे जब तक चूहे को यहां से ना निकाले, फिर जब भर भर के भर आप नहीं मारते थोड़ी दूर छोड़ा कल्याणकामी सजनों मेरी कल्याणकामी देती है, जैसे घर के अंदर रात्रि को नहीं आराम करने देते ये चूहे, उनको पिंजरा में बंद करके छोड़ जाता है आप घर में चैन से सो लो, इस तरह अंदर के चूहे ये काम शोर मचाए जा रहे हैं, हमारी जिंदगी भर आराम से नहीं सोने। एक चूहा होता तो बात थी, पर वहां तो अनेक चूहे थे, किसी शोर खोल मचाते इधर से पीछे भागती है, काम भागता है क्रोध के पीछे, क्रोध भागता है आगे लोग के पीछे, मोह के पीछे, अहंकार के पीछे, आपस में दौड़ लग रही है। इस इंसान का जीवन गम पे हिसाब उनको दिन हो गया। बड़ा जरूरी है अपने मन में ये इंपॉर्टेंस बना लेना, भगवान के अनुसार मैंने जीवन काटना है, मैंने मूर्खों के अनुसार जो प्रपंची है पल्ले दर्जे की दुनिया में उलझे उनकी नकल नहीं करनी, नकल तो करनी है पर अपने भगवान की, जिन्होंने अपने श्री मुख से कहा बड़ा आदमी जो उसे सारी दुनिया करेगी, मैं नकल किसकी करनी है अपने इष्ट देव जी की अपने भगवान की, जो मुझे लोक प्रलोक बनाने के साधन बता रहे हैं केवल उनकी। जितने हम तर गए होते हमारे कितना अच्छा हाल होता, अगर यही बात समझ आती मैंने भगवान के अनुसार अपना जीवन गुजारना है, प्रभु के अनुसार मैंने जीवन की चार दिन जो उन्हीं से मांग के लाई हूं प्रतीत कर देते, हमारा जीवन बड़ा प्लेजेंट होता, बहुत आराम और बड़ी खुशी से व्यतीत हो जाता। क्या जोरदार चेतावनी गए भगवान के, तो मेरा क्या बिगड़ता है अगर भगवान के अनुसार नहीं जुट रहे, हाँ भगवान का क्या बिगड़ेगा, हमारा ही बिगड़ते जा रहा है। सवाल बनाने वाले मैथमेटिशियन के अनुसार अगर हम अब सवाल को सॉल्व नहीं करेंगे, सारा दिन भी सवाल नहीं निकलेगा जवाब नहीं मिलेगा, और जाएंगे वहां मास्टर जी के पास वो भी डंडे मारेंगे अच्छी तरह, सवाल निकाले कि नहीं, जिन्होंने निकाले खड़े हो जाओ और पीछे की मार फिर अच्छी तरह, मैंने नहीं निकाले, क्यों नहीं निकाले, निकालने की कोशिश की है मेरी रफ कॉपी देख लो, देखा अरे तू बड़ा बुद्धू है, तूने फार्मूला क्यों नहीं लगाया, हिसाब बनाने वाले मैथमेटिशियन ने ये फार्मूला बताया था कि इसके अनुसार ये निकलना, और देख इस सवाल के नीचे लिखा हुआ था अप्लाई दिस फार्मूला, ये तो मैंने देखा ही नहीं, हमारे वक्त हिसाब मिलते थे ये गणित की पुस्तकें मिलती थी नीचे लिखा होता था ये जो पांच छह सवाल है
इसका ये फार्मूला अप्लाई कर लो। चुटकी मार के सवाल निकलता था। भगवान ने भी एक जीवन एक सवाल बना के दिया है फार्मूला गीता के द्वारा। अब हम गीता का फार्मूला तो लगाती नहीं, मनमानिया करते तो बच्चों का सवाल ही निकला, स्टूडेंट मर के सवाल निकालते निकालते, लेकिन उनका जवाब उधर से नहीं मिलता। हमारा जवाब कुछ आता है और उधर जो जवाब छपा हुआ वो कुछ और है। ओ नेक दिव्य हो, भगवान के फार्मूला को अपने जीवन में लगाएं। भगवान का फार्मूला क्या है मेरे महाराज जी? फार्मूला अपने इसी फरमान में कह रहे हैं, लगावट न रख और न फल पर नजर। यह फार्मूला मैंने अटैचमेंट नहीं करनी भगवान की, अगर आप पर कृपा हो तब ये मुमकिन हो जाएगा। मैंने मुंह नहीं करना, कर्तव्य पूरा करना अपने माँ के प्रति। जरा दोनों में डिस्टिंग्विश करो, अगर हम मुंह करके कर्तव्य पूरा करते हैं तो वासना बढ़े। इसी तरह अगर हम अपने आप को सफाई नहीं करते नेगेटिव क्वालिटी से तो शोरगुल मचेगा। इसलिए अटैचमेंट नहीं, कर्तव्य पूरा कर देगा। हर एक चाहता है मेरे ये काम आ जाए, हर एक चाहता है ये उपयोगी बने, हर एक व्यक्ति चाहता है मैं इनके लिए उपयोगी बनूं, ये मेरे लिए उपयोगी बने। इससे क्या होता है, एक दूसरे को सुख मिलता है। लेकिन उपयोगी तो हम बनते हैं जरूर, मोह रख के, वास्ता रख के, कामना रख के, स्वार्थ रख के, या मार खाली नहीं, कर्तव्य समय के करना था। मेरा कर्तव्य माँ बाप बहन भाई के प्रति, हम वास्ता कामना रख लेती है, नहीं कामना पूरी होती सगी माँ को छोड़ देती है, सगी पिता को छोड़ देती है, पत्नी को डाइवोर्स कर देती है, पति को किक मार के लताड़ देती है, हाय हाय। जब लगती है स्वार्थ को चोट, और कभी हम सोचती नहीं क्या ये संभव है किसी नर नारी के लिए, चाहे वो लाखों पति हो, क्या सदा एक व्यक्ति के स्वार्थ पूरे कर सके? जब इंसान ने एक इंसान को साधन ससीम दिए हैं, लिमिटेड सोर्सेज, लिमिटेड लिमिट सोर्स लेकर हम पैदा हुए हैं, ये कभी मुमकिन हो सकेगा कि एक इंसान सारों के स्वार्थ को, सारों करे परिवार के, गली छोड़ो, मोहल्ला छोड़ो, राष्ट्र छोड़ो, एक व्यक्ति क्या सारों के स्वार्थ पूरे कर सकता है? नेक्स्ट इम्पॉसिबल। क्यों? सोर्सेज लिमिटेड, मीन्स लिमिटेड। मैंने उससे भी कहा था इकोनॉमिक्स यहीं से शुरू होती है, वॉट्स अनलिमिटेड मीन्स लिमिटेड, देन हाउ टू बी हैप्पी। कभी नहीं सोचा आपने, इंसान के पास कामना का तो कोई अंत नहीं। हाँ, कामना को पूरी करने के जो साधन है वो तो लिमिटेड है, ससीम है। हाँ, कैसे इंसान खुश होगा, क्या गजब का प्रश्न है। हमारी कामना का तो कोई अंत नहीं, कामना अनंत है जी, उनको पूरा करने के साधन अंत है, पूरा करने के साधन थोड़े गए, कामना ज्यादा है। क्या होगा, हलचल मचेगी हमारी जाति में, हमारे मन में बेचैनी होगी, मेरी ये तो पूरी हो गई मगर मेरी ये नहीं पूरी हो रही, मैं क्या करूं। इकोनॉमिक सहायता करती है, ये अर्थशास्त्र आपकी पूरी मदद करता है। बड़ा हो चाणक्य महाराज जी ने सबसे दुनिया में ये पहला शास्त्र दिया अर्थशास्त्र, ये हमारे को चाणक्य का है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री के दिया हुआ है अर्थशास्त्र, बड़े अच्छे तरीके, बड़े कमाल के। पर बुद्धू चाणक्य ने धर्म को साथ नहीं मिलाया, उन्हें धर्म नीति नहीं ली, कूटनीति से काम लिया है। इसलिए हमारा देश उसकी तरफ ध्यान, ऐसे साधन बड़े अच्छे बताए गए लेकिन वो धर्म निरपेक्ष, धर्म सापेक्ष होते तो बड़ा अच्छा रहता। फिर भी उसने बड़ी मदद किया दुनिया वालों की, बड़ी मदद। हमें कहा जा रहा है भगवान के उपदेश को साथ रख के अपने ससीम साधनों को पूरा, मैं बताता हूं आपको, भगवान के उपदेश को साथ रखेंगे हमारी दिन प्रतिदिन कामना कम होती है। जो इंसान करे हाय 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 हाय, वो नेक जीव हो, कल्याण कामी देवी हो। अगर महाराज जी को साथ रखा बाबा, क्या भगवान कैसी हमारी कामना को, बढ़ती जा रही कामना कम कर देंगे? हमारी कामना इसलिए बढ़ती जा रही है कि हमें पूरी तृप्ति नहीं हो रही। हाँ, तो भगवान को अपना बना लेने से तृप्ति होने लग जाती है, हाय तृप्ति होने लग जाती है, इसलिए बड़े कामना इसलिए बढ़ती है, भाई तृप्ति नहीं होती जो है पढ़ने के बाद। क्यों हमने कमाना काम तृप्ति नहीं हुई, कमाने के बाद क्यों शादी की तमन्ना हुई तृप्ति नहीं हुई, शादी के बाद क्यों बेटे बनाने की तमन्ना हुई तृप्ति नहीं हुई, एक बेटा बनाने के बाद दूसरे बेटे की ख्वाहिश क्यों उठी तृप्ति नहीं हुई। हाय मेरे रब्बा,
कोई एंड भी है तृप्ति का, संसारिक रूप में तृप्ति का कोई एंड नहीं। स्टिल मोर स्टिल मोर स्टिल मोर स्टिल मोर स्टिल मोर स्टिल मोर एंड आई यू नो मोर, फिर क्या बनेगा? आयु तो खत्म होती जा रही है और वास्ते स्टिल मोर कामना लेके मरेगा इंसान, अगला जन्म फिर बर्बाद करेगा। जो इंसान अधूरी का, अगला जन्म का अर्थ यू समझ लो, जो अधूरी कामना लेके सोया गए सवेरे जागने पर फिर बेचैनी होगी, लेकिन आपको नहीं, आप कोई बेचैनी लेके नहीं सोए, चैन से सोएंगे तो जब नेक्स्ट डे उठेंगे चैन से उठेंगे। इस तरह इंसान बेचैन होके मरा गए, अगले जन्म का कामन, अगले जन्म जैसे हम रात्रि को सो के उठते हैं फिर वही अंतःकरण साथ जाएगा, फिर वही बेचैनी बेकरारी हमारे साथ, हाय मेरे डब्बा, वही साथ ना। जैसे एक घराने में शादी की, उसकी पत्नी बड़ी तेज थी, बड़ी कर्कशा, इस तरह वो मर गई। अब मर गई तो बेचारा रोया, अब ससुर आया, बेटे तुम बहुत रो रहा है, हाँ मैं तेरे आंसू पूछता हूं, तरीका बता दो, मैंने एक योजना बनाई है। पिताजी आपने योजना? हाँ, तेरी सारी बेटी है ना, शादी कर देता हूं। पिताजी ना 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 ना, आज कहा है आपने, आपके पहले लड़के इतनी चंद्री थी, इतनी कर्कशा थी, हाँ इतनी मुझे तंग करती थी, मैंने आजमा लिया आपके परिवार को, मैं तो भूल कभी कभी नाम ना लू क्या, मैं आप फिर बेवकूफ नलायक कहीं का, यू कहते हुए ससुर उठ गया, मैंने आजमा लिया इस घराने के अंदर क्या क्या है। इंसान संसार समझी इतनी कामना पूरी करता है फिर भी तृप्ति नहीं होती, फिर भी संसार में जाके मर लेता, उसके मन हटा लेना चाहिए था, लेकिन भगवान की गुण है कि जब जीव उनमें जाता है तो ये नेगेटिव क्वालिटी कम हो जाती है, और भी घटती है। शाबाश 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 शाबाश, और भी कम होती है, शाबाश। इसलिए इंसान को तृप्ति मिलती जाती है। ये एक बढ़िया तरीका है भारत का कि भगवान की ओर मन लगा, तृप्ति जल्दी मिल जाएगी, वास्तव घट जाएगी, जी अपने आप में रहेगा, सेटिस्फाइड इन इटसेल्फ नॉट अदर्स, अपने आप में रहेगा, शांत होगा। और दुनिया की तरफ जाने से इंसान की शांति नहीं आती, घटती जाती है, विचैन, क्योंकि उसे सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलती। इसलिए स्टिल मोर स्टिल मोर स्टिल मोर, सोचना इंसान के पास साधन तो कम है, कामने बढ़ती जा रही है, और कम साधनों से बढ़ती जा रही कामना कैसे पूरा करेगा, नहीं कर सकेगा, बेचैन होके जन्मा, बेचैन होके मर जाए। तो तसल्ली कब होती है? जब जीव हाँ भगवान की ओर लगता है, उसी जीव को तसल्ली होती, चुके वो भगवान आनंद के घर है, भगवान संतोष के घर है, भगवान प्रेम के घर है, तसल्ली हो जाती जीव की, और प्रसन्नता उत्तरो उत्तर दिव्य प्रसन्नता कहूंगा बढ़ती है। इसलिए वासना शर्मिंदा हो जाती है, कामना शर्मिंदा हो जाती है, और हमारे मन में जो जन्मों से तलाश थी शांति की वो प्राप्त होती जाती है। वो दिन भी आ जाता है जब इंसान करे ख्वाहिश हवस का न हो जिसकी, सब खत्म। इस अवस्था में भगवान कहती है जीवात्मा मेरे में समा जाती है, जीवात्मा स्त्री भगवान में एक में भी जाती है, जिस तरह गंगा सागर में समाकर एक में हो जाती है। इससे जीवात्मा महाराज जी में जो अनलिमिटेड है, असीम है, लामदूर या इन्फिनिट है, बस एक में होगी शांत। जितने दिन वो रहेगा शांति से, और बाद में शरीर छोड़ेगा तो सदा के लिए भगवान में क्या हो जाता है, समा जाता, समाधा सदा के लिए उसमें एक मेक हो जाता। ये हमारे वैदिक सनातन धर्म के अनुसार बाखुशी जीना, बाखुशी समय आने पर शरीर को छोड़ देना, यही तो दो कलाएं गीता जी में सिखा रही है। जब तक रहो बाखुशी कैसे रहो, और टाइम तो हरेक का आना है, तो जब टाइम आ जाए या बिगल बच जाए तो बाखुशी कैसे शरीर को छोड़ दो। ये दो कलाएं हमें भगवान कृष्ण बता रहे, अमल में हुनर हो तो ये हुनर, ये आर्ट हमने गीता से सीख लेना है। भगवान क्या फरमाते हैं, अमल जिस कदर भी है यज्ञ की सेवा, वो दुनिया को दिन बदन, मेरी बेटी मेरे बच्चे बंधन में मृत जा रहे, बड़ी बुरी तरह बंधन, हाँ वो दुनिया को बंधन में रख के सजा किए जा, तो सब काम जग जान कर लगावट न रख कर लो फल, हमें फल पे नजर, मुझे ये मिलेगा मुझे ये मिलेगा, ले ले, माँ से ले ले, बाप से ले ले, बहन से ले ले, पति से ले ले, बेटे बेटे से ले ले, ले 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 ले, फिर भी हम देखेंगे मेरी कोई तसल्ली नहीं, फायदा क्या हुआ? इन विचारों को मेहनत करवा के मार के, मैंने इनसे ये भी लिया ये भी लिया ये भी लिया, माँ से लिया, अपने पिता से लिया, बहनों से, भाइयों से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से लिया 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 लिया, पड़ोसी से लिया, इवन देन आई फील देयर इज नो एंटायर सेटिस्फेक्शन, फिर इनको मारा मैंने, इनको दुख दिया, किस मतलब के लिए?
इसी भगवान कहते हैं इस तरीके से किसी को शांति मिल नहीं सकती, इस तरीके से किसी की तसल्ली हो जाए या आंतरिक चैन मिल जाए, नेक्स्ट इम्पॉसिबल। ऐसों के लिए भगवान ने कहा परेशान ख्याली आए सुख, जिसे सुख ना आए सदा उसको। इसलिए आप दुनिया के हर पढ़े लिखे को, चाहे पठित है अपठित है लिटरेट है इलिटरेट है, सब पूछिए जिस तरीके से वो अपने आप को शांत किया चाहती है सजनों देवियों, वो बंधन में फंसते जा रहे पूछते जा रहे। बंधन में, बंधन का मतलब फिर क्लियर कर दूं, अज्ञानता के कारण जब जीव में ये भाव उठता है इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता, जब ये खपते हमारी बुद्धि में आता है इसके बिना मैं नहीं रह सकता, जैसे नथिंग बट बॉन्डेज, यही तो बंधन है। मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती, मैं अपने पति पत्नी के बिना नहीं रह सकता, मैं नौकरी के बिना नहीं रह सकता, ये तो मेरा प्रेस्टिज क्वेश्चन बन गया है, एक और बंधन पैदा कर लिया इज्जत का, प्रेस्टिज क्वेश्चन, वाह एक और फसावट पैदा कर ली, ये हमारा ये हो गया जिसके बिना हम रह न सके। अंदर आवाज आया कैन नॉट डू विदाउट, पर कैन नॉट डू विदाउट, इसको हमारे कृष्ण कह रहे हैं बंधन। कौन है माई का लाल और गुरु का बाल जो इनसे छूटता जा रहा, जिसके अंदर से ये आवाज आए ओ मेरे मालिक ओ मेरे प्रभु मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, तेरी वाणी को अपनाए बिना नहीं रह सकता, अब इसके मंदिर टूटते जाए, अब इसके मंदिर खुलते जाए। जैसे मैं अपने रुमाल को कई बार आपके सामने रखा है, अगर तुम्हें तो मूर्ख बन के अपने रुमाल को यूं लेकर आप लेकर यूं करता जा रहा हूं तो ये तो लपेटे देख के मंदिर बढ़ते जा रहे हैं, और जब कोई दाना के समझा दे कि क्यों अपने आप को उलझा रहा है करना यह है तो यूं करता जाओ वो मंदिर खुलते जाओ। अगर कोई मुझे समझा दे या मेरे भाव जाग जाए कि अगर क्रिया भी करनी है तो भगवान के अनुसार, तो क्या हो जाएंगे डिटैच डिटैच डिटैच, वो सारे जो वट है वो खुलते जाते हैं। यू यू करने से वट बढ़ जाती है, देखा यू यू किया वट बढ़ गए, सिर्फ यू यू किया वो खुलते गए खुलते गए। वो दिन भी आ गया जबकि मैं भगवान की जात से तलीन हो गया। तलीन कौन होता है जिसका बंधन नहीं रहा, बंधन किसका रह रहा वो समझ जाता है भगवान के नियम में बिना रह सकता, इनके बिना तो मैंने वैसे ही मुझे काल ने जबरदस्ती निकाल के ले जाना। वो बच्चा आपको कितना प्यार लगता है जब आप कहते हैं बेटे स्कूल जाना, जी मैं तैयार, आप चूकती हैं प्यार देती हैं, और जिसको बेटे स्कूल जाना मैं नहीं जाता, लाला ढोल बजा रहा ढोल मैं नहीं जाता, आप मारती हैं गंदा बच्चा, खिलाया पिलाया प्यार किया सुंदर कपड़े पहनाए किस लिए स्कूल में नहीं, तू कहता मैं नहीं जाता चल, मारते हुए गली मले में रुता जा रहा है। अरे क्या हो गया आपको मारती है, क्या करूं कहते मैं स्कूल नहीं जाता, रोज इसका यही छापा है। भगवान कितने नाराज होते होंगे उस नलायक की वो पर जब वो कहते चलो मेरे पास वापस आ जाओ, नहीं मैं नहीं मरता भगवान कोई और ले रहे, वो जहां में और पड़ी रह गया मैं ही रह गया, और वो कितने तनाक है उन्होंने जीना भी सीख लिया और इस शरीर को कमीज उतारने की तरह उतारना भी सीख। भगवान बड़े प्रसन्न होते बड़े प्रसन्न, वो माँ बाप जिसने कहा बड़े प्रसन्न होते जो हंसते खेलते, मुझे कहते मैंने स्कूल जाना है मैं पढ़ूंगा मैं अच्छा बनूंगा, ओ देवी हो है मेरे प्रभु का फरमान बड़ी जल्दी हमारे मन में बैठ जाए कि ये जा तो सब काम यज्ञ जान कर, और यज्ञ क्या लगावट कर प्रभु से हमारी हार्दिक प्रेम भरे विनम्रता पूर्वक प्रार्थना है कि जो कुछ प्रभु हमें उपदेश दे रहे हैं हम सीरियसली और सिंसियरली उसे अपनाने में लग जाए, या भगवान की वाणी हमारे में गहरी उतर जाए, हमारा जीवन सफल हो जाए। शरीर हम तो जीना तो हमने भी है और मरना हमने भी है, लेकिन तरीके से जिए और भगवान के अरबोल फरमान के अनुसार इस शरीर को छोड़ दे। दुनिया वाले मरते गए भगवान का प्यारा शरीर छोड़ता है, वो कैसे उसकी पहले तैयारी होती है, मरना उसका होता है जो मरना नहीं चाहता, और मरना पड़ता है उसका मरना कहो, मरना उसका होता है जो मरना नहीं चाहता पर मरना पड़ता है मूर्ख हाँ, और उसका मरना नहीं होता जिसने पहले तैयारी कर रखी है, वो तो किसी चीज की तरह शरीर को यूं छोड़ देता कि मुझे पता है मैंने जाना है बस ए मैं जा रहा हूं, इसका मरना नहीं है इसका छोड़ना है, मरना उनका है जो मरना नहीं चाहता। याद रखना महापुरुषों ने बताया मरना उनका होता है जो मरना नहीं चाहते, और जिन्होंने पहले तैयारी कर रखी उनका मरना नहीं उनका छोड़ना होता, छोड़ दिया मकान किराए पर लिया, दो साल के बाद मालिक ने कहा मेरा बच्चा जवान हो गया उसकी शादी हो गई जरूर केवल मुझे चार दिन दे दो, तुम और ज्यादा दिन ले लो नहीं, आपने तीसरे दिन ही मकान खाली कर दिया,
क्यों आपने पहले प्रबंध कर रखा था कि शेष जी का मन पर बड़ा उपकार है, जब भी ये इशारा करेंगे हम मकान छूट करके उस मकान में चल जाएंगे। आपके दोस्त ने कहा था कि मैंने दो मंजिला मकान बनाया, नीचे मैं रहता हूँ ऊपर तुम आ जाओ। गुड, इसने नेक जीव जाप करके भजन करके सिमरन करके भगवान जी के अनुसार ज्ञान लेकर के अंदर अपनाते हुए हाँ अपना दूसरा मकान तैयार कर लिया। जब अंत समय आता है वो इसको छोड़ देते, क्योंकि पहले आपने तैयारी की है, पहले आपने अपने आप को बना रखा है। शाबाश, ऐसे जीव मरते नहीं छोड़ते। आपने मकान छोड़ दिया, तैयारी थी कि मैं वहां शिफ्ट कर लूंगा, ऐसे जीव शिफ्ट करती है भगवान के अंदर, न कि मरते हैं। शाहजहान वाले मरती हैं, क्योंकि वो मरना नहीं चाहते, उनको मरना पड़ता है, मरना पड़ता। इसलिए प्रभु क्या कह रहे हैं, लगावट ना रख और ना लगावट किस पर, जब छोड़ना ही है तो लगावट कैसी, अटैचमेंट कैसी। अटैचमेंट तो कहने जब हमारे पास ये चीज रहे, मैं उनके पास रहूं वो मेरे पास रहे, नेट बी पॉसिबल, दोनों में से एक ने एक अदब योग हो गई, ये तो लाजमी है। ऐसे मेरे को समझा देना, कोई भी ऐसी ट्रेन किसी भी दुनिया के प्लेटफार्म पर नहीं आई है, कोई भी ऐसी ट्रेन दुनिया के किसी भी प्लेट रेलवे प्लेटफार्म पर नहीं आई जिसका अराइवल हुआ और डिपार्चर ना हुआ। जो ट्रेन आई हो और पप 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 करती हुई निकल गई हो, ऐसी दुनिया में कोई ट्रेन नहीं आई। कोई भी ऐसा सूर्य दुनिया में ना उदय हुआ होगा जिसका कभी अस्त ना हुआ। इफ राइजिंग इज देयर हाँ तो सेटिंग मस्ट बी। दुनिया में इस तरह कोई ऐसा शरीर नहीं जो पैदा हुआ हो और मरा ना हो। फिर दाना कौन, दाना हुई गए जिसकी तैयारी कर लेता है, जो दुनिया बनाने वाले भगवान से सीख लेता है। अखीर में कह रहा हूं मेरे देवियों, भगवान के प्यारे हम तब कहलाएंगे जो भगवान से सीख ले हाउ टू लिव एंड हाउ टू लीव। इन दो शब्दों में हमारी सभ्यता संस्कृति है, हाउ टू लिव एंड हाउ टू लीव। हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति किस में जाती है, हाउ टू लिव एंड हाउ टू लीव। बाखुशी कैसी जिए और बाखुशी समय आने पर कैसे शरीर को सांप के केंचल की तरह छोड़ दे। यह है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, बहुत कमाल की सिविलाइजेशन, बहुत कमाल, कितनी सुंदर अनुपम है हमारी संस्कृति और सभ्यता। हाउ टू लिव एंड हाउ टू हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। Time.
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चि दुर्भावने हरि ओम शांति 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 ओम प्रभो इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सबका आना सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।